हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर्स की थ्योरी, स्किनर का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रेड के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने क्या फाइंडिंग्स दी थी, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं बर्हूस फ्रेडरिक स्किनर, बी एफ स्किनर, या मेनली इनको स्किनर के नाम से ही जाना जाता है। स्किनर वॉज बॉर्न इन 1904 टिल 1990 ही वॉज देयर विद अस। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, ऑथर थे, इन्वेंटर थे, सोशल फिलोसफर थे, काफ़ी कुछ थे। स्किनर सॉ, उनका जो मेन एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, स्किनर सॉ ह्यूमन एक्शन एज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रीवियस एक्शंस, अ थ्योरी ही वुड आर्टिकुलेट एज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री इन्फॉर्मेंस। बेसिकली उन्होंने देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी थी, एक तो था री इन्फॉर्समेंट जिसको हम रिवॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा था पनिशमेंट। इस थ्योरी में आप ये दो चीज़ें मेन याद रखिए, री इन्फॉर्समेंट एंड पनिशमेंट। अगर कोई भी काम करने के बाद हमारा जो कॉन्सिक्वेंस होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उस काम को करने के बाद, अगर तो वो अच्छी होती हैं तो हम उस काम को दोबारा करेंगे या हमारा मन करेगा उस काम को दोबारा करने के लिए। अगर किसी काम को करने के बाद हमारी फीलिंग अच्छी नहीं होती है, हमें कोई बैड एक्सपीरियंस होता है किसी काम को करने के बाद, तो हम ट्राई करेंगे कि हम उस चीज़ को अवॉइड करें, हम उस चीज़ को ना करें। जैसे हम किसी के घर गए, वहाँ पे हमें बहुत ग्रैंड वेलकम मिला, सब लोग हमसे बहुत प्यार से मिले, हमारी बहुत खातिर की, तो हमारा मन करेगा हम दोबारा उस इंसान के घर जाएं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान के घर जाएं भैया वो हमें पानी भी ना पूछे और ठीक ढंग से बात भी ना करे, तो हमारा मन करेगा वहाँ जाने का? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वही सिंपल सी बात है, ये फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड है आपकी, आपके जो एक्सपीरियंस होता है, जो भी आप काम करते हैं उसके बाद जो आपका फीलिंग होता है उस काम को लेके, उसके ऊपर ये थ्योरी डिपेंड है। ठीक है, मेन बात जो मेन जिस्ट था वो यही था। अब आगे हम देख लेते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड बाय री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ अ बिहेवियर, आप समझ रहे हैं, जो हमने काम किया है वो काम को करने के लिए हमें स्ट्रेंथ मिलती है, अगर तो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, या हम दो स्टेप पीछे हट जाते हैं अगर हमें पनिशमेंट मिल रहा है। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई डंडे मार रहा है, पनिशमेंट का मतलब है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वी आर नॉट फीलिंग गुड बाय डूइंग सम एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेंट कंडीशन समटाइम्स रेफर टू एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है इसको। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन इज मेड बिटवीन अ बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस। हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो बिहेवियर है, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है, जो उसके बाद की हमारी फीलिंग है, उसके बाद का जो कॉन्सिक्वेंस है, वेदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके बीच में एक एसोसिएशन बन जाता है। ठीक है, अभी क्या है, टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट, इनके भी टाइप्स हैं, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के। ठीक है, चार बेसिक टाइप्स हैं, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। किसी किसी बुक्स में आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, बट मुझे लगा कि आपको एक बार ये भाई पता होना चाहिए, इसलिए मैंने स्लाइड बनाया इसका भी। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को होमवर्क करवाने के लिए उसको प्रेज करती है, या कोई भी उसको गिफ्ट देती है या चॉकलेट देती है एज अ रिवॉर्ड, वो उसके लिए हो जाएगा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। उस चीज़ के लालच में, उस चीज़ के री इन्फॉर्म, उस चीज़ के प्रेज में, अप्रेजल में, उस चीज़ की खुशी में बच्चा मोटिवेट होगा काम करने के लिए, और वो जल्दी अपना होमवर्क फिनिश कर लेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। अब नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या है, रिवॉर्ड है लेकिन नेगेटिव है। इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है या माँ उससे कोई काम करवाना चाहती है, तो उससे उसका कोई फेवरेट चीज़, हमने जो उसको पहले दिया था वो हम उससे ले लेंगे, तो बच्चे को बैड फीलिंग आएगा। उससे हम वो चीज़ ले रहे हैं बट किसी
अच्छे काम को करवाने के लिए हम उससे वो चीज़ ले रहे हैं कि आप पहले अपना काम फिनिश करो, उसके बाद आपको ये चीज़ मिलेगी, तो वो हो जाएगी नेगेटिव री एनफोर्समेंट। परमानेंटली नहीं ले रहे हैं, जस्ट उसको मोटिवेट करने के लिए दैट यू विल गेट दिस आफ्टर यू कंप्लीट योर वर्क। मतलब उसका कोई फेवरेट टॉय है या कोई भी चीज़ है, उसकी नेगेटिव री एनफोर्समेंट। तो उस नेगेटिव फीलिंग को, जो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ गई, उस नेगेटिव फीलिंग को हटाने के लिए बच्चा जल्दी से काम करेगा। समझ रहे हैं? नेगेटिव री एनफोर्समेंट है ये। नेगेटिव री एनफोर्समेंट शुड नॉट बी थॉट एज अ पनिशमेंट। विद नेगेटिव री एनफोर्समेंट यू आर इंक्रीजिंग अ बिहेवियर, वेयर एज विद पनिशमेंट यू आर डिक्रीजिंग अ बिहेवियर। ठीक है? पनिशमेंट क्या है? टीचर्स कॉल्ड अ स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। टीचर ने किसी बच्चे को डांटा कि वो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं कर आया। ठीक है? तो ये हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट का भी एक तरीका ऐसा नहीं है कि बच्चे को इतना ह्यूमिलेट कर दो कि बच्चा डीमोटिवेट हो जाए। तो बच्चे को डांटने का भी एक तरीका है कि आप उसको डांटो बट एक लेवल तक। ठीक है? ये हो गया आपका पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? टीचर टुक अवे द बैच ऑफ अ गुड स्टूडेंट। लाइक हमने बच्चे को किसी अच्छे बिहेवियर के लिए कोई एक अच्छा बैच दिया था, गुड स्टूडेंट का बैच दिया था, बट उसने कोई एक गलत काम किया तो उसके पनिशमेंट में हमने उसका वो बैच छीन लिया, उससे वापस ले लिया परमानेंटली। तो वो हो गया नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये नेगेटिव री एनफोर्समेंट और पनिशमेंट में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इतना भी पढ़ लेंगे, इतना भी लिख के आएंगे तो वो भी मोर देन इनफ है। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। जो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? बेसिकली उन्होंने क्या किया था, रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, रैट के ऊपर या फिर बर्ड्स के ऊपर। उन्होंने एक बॉक्स के अंदर रैट को रखा था, हंग्री रैट था। अब रैट वॉज हंग्री, और एक दिन से रैट भूखा था, तो खाने के लिए ही वॉज रनिंग हेयर एंड देयर। तो एक्सीडेंटली ही प्रेस अ लीवर, जिसको दबाने से ही गॉट अ फूड। प्रेस को किसी लीवर को दबाने से उसको फूड मिल गया। तो वो फूड ने क्या काम किया? पॉजिटिव रिवार्ड, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का काम किया। ठीक है? एक बार पढ़ लेते हैं। स्किनर क्रिएटेड हिज ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, और वी ऑल्सो कॉल इट स्किनर बॉक्स। द बॉक्स इज अ चैम्बर दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट वन लीवर, बार और की दैट द एनिमल कैन मैनिपुलेट। एज द फर्स्ट स्टेप टू हिज एक्सपेरिमेंट ही प्लेस्ड अ हंग्री रैट इनसाइड द स्किनर बॉक्स। रैट एक्सीडेंटली प्रेसेस अ लीवर बाय विच फूड इज रिलीज्ड। Eventually, the rat discovered that upon pressing a lever, food was released inside the box. Here, the action of pressing the lever is an operant response behavior, and food release inside the chamber is the reward. ठीक है? इतना समझ में आ गया? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली एक हंग्री रैट को बॉक्स के अंदर रखा, रैट ने एक्सीडेंटली एक लीवर को प्रेस किया, जिसको प्रेस करने से उसको फूड मिल गया, और फूड ने क्या काम किया? एक रिवार्ड का काम किया। तो फिर नेक्स्ट टाइम स्किनर ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, और करते करते रैट ने लर्न कर लिया ये चीज़ कि उसको अगर खाना चाहिए तो उसको वो लीवर प्रेस करना है। जो खाना था वो पॉजिटिव और एक रिवार्ड का काम करता था, उसको खाना चाहिए तो खाने के लिए वो लीवर को प्रेस करता था। ठीक है? और उसको पता था कि प्रेस करने से मुझे खाना मिलेगा। इन द सेम बॉक्स इन अनदर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया था जो नीचे फ्लोर था उस बॉक्स का, उसको उसमें करंट डाल दिया था, और उस करंट से बचने के लिए वो इधर उधर रन करने लगा, और फिर से एक्सीडेंटली उसने एक लीवर प्रेस किया, जिसको प्रेस करते ही वो करंट गायब हो गया। ठीक है? इन अनदर एक्सपेरिमेंट ही मेक्स द फ्लोर ऑफ द चैम्बर इलेक्ट्रीफाइड। द रैट हैविंग एक्सपीरियंस द डिसकम्फर्ट स्टार्टेड टू डेस्परेटली मूव अराउंड द बॉक्स एंड एक्सीडेंटली नॉक द लीवर। Pressing of the lever immediately ceased the flow of unpleasant current. After a few times, the rat had smartened enough to go directly to the lever in order to prevent itself from the discomfort. The electric current reacted as a negative reinforcement, and the consequence of escaping the electric current made sure that the rat repeated the action again and again.
फिर से वही काम किया, दोबारा से उसको बॉक्स में रखा और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट जो करंट था उसने नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का काम किया, मतलब करंट से उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बैड फीलिंग हो रही थी। उस बैड फीलिंग को रिमूव करने के लिए उसने वो लीवर को प्रेस करा और मतलब वो बिहेवियर उसने लर्न कर लिया। और क्यों लर्न किया? क्योंकि वो उस नेगेटिव फीलिंग से बचना चाहता था, ठीक है। तो उसने नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का काम किया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, द इलेक्ट्रिक करंट रिएक्टेड एज अ नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस्केपिंग द इलेक्ट्रिक करंट मेड श्योर दैट द रैट रिपीटेड द एक्शन अगेन एंड अगेन, ठीक है। सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, बस आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखे हैं आपको, अगर एक बार समझ में आ गया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में जाके अपने आप अपनी समझ से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ का, कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग का एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, एज अ टीचर आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। शेपिंग द बिहेवियर, अ टीचर कैन मोटिवेट द चिल्ड्रन बाय गिविंग रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर। आप बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो उसका अच्छा बिहेवियर है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ फियर कर सकते हैं, किसी चीज़ का डर है उसको आप हटा सकते हैं, उसको मोटिवेट करके, उसको प्रेज करके। पनिशमेंट पे हम इतना जोर नहीं डालते हैं जितना कि मोटिवेशन और अप्रेजल पे डालते हैं। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन से, प्रैक्टिस से हम बच्चों को बेहतर सिखा सकते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग, टीचर प्रोग्राम्स इज टीचिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़। अगर टीचर को पता हो कि बच्चों की क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसी के हिसाब से टीचर अपना लेक्चर तैयार करेगी और स्टडी मटेरियल तैयार करेगी थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन लर्न ऑन देयर ओन। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मॉल स्टेप्स, सिलेबस कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स, दिस मेक्स लर्निंग ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स। सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक किसी काम को करने के बाद आपको एक गुड फीलिंग नहीं आएगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, आपका मन नहीं करेगा उस काम को दोबारा करने का, ठीक है। वो आपको इंस्पायर करेगा, एक पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिटिसिज्म, कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे हैं हर थ्योरी के कुछ अगर फ़ायदे हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे हैं, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा हर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। दिस थ्योरी जो है ये फेल है आपके इंटरनल मेंटल थॉट्स, बच्चे के अंदर के जो थॉट्स हैं, उसके कॉग्निटिव फैक्टर्स है, उसकी समझ है, उसकी नॉलेज है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है, ठीक है। इट अज्यूम्स लर्निंग अकर्स ओनली थ्रू रीइन्फोर्समेंट, ऐसा तो नहीं है कि हर बार सिर्फ रीइन्फोर्समेंट से ही बच्चा सीखे। इट ओवरलुक्स जेनेटिक फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा गया है। स्किनर हैज़ गिवन नो इम्पोर्टेंस टू इंट्रेंसिक कैपेबिलिटीज़, बच्चों की कैपेबिलिटीज़ जो अंदरूनी उसकी इच्छाएँ हैं, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी विल पावर है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लेज एम्फोसाइज ऑन मैकेनाइजेशन एंड ट्रीटेड एज अ मशीन, बार बार बच्चे को एक ही पोजिशन में डाल के सेम चीज़ रिपीट करके उसको मैकेनाइज किया गया है, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग पे इतना जोर नहीं डाला गया है, ठीक है। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे इसके। तो ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग का मॉडल, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जल्दी आने वाली है। तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।